बता दे, भिवाड़ी से ये बड़ी खबर, लूट की वारदात से व्यापारियों में काफी ज्यादा गुस्सा, व्यापारियों ने लूट के विरोध में बाजार बंद रखा। व्यापारी सोना तावड़ू हाईवे के बीच बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी समझाइश में भी जुटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस अधिकारी समझाइश में जुटे हैं। भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, भिवाड़ी से ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां लूट की वारदात से व्यापारियों में काफी ज्यादा गुस्सा है। व्यापारियों ने लूट के विरोध में बाजार बंद रखा है। व्यापारी सोरा तावड़ू हाईवे के बीच बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी समझाइश में भी जुटे नजर आ रहे हैं। तो शनिवार सुबह से भिवाड़ी के मुख्य बाजार घटना के विरोध में बंद है। व्यापारी सोना तावड़ू हाईवे के बीच में बैठे हुए हैं और इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उनसे समझाइश कर रहे हैं, लेकिन वे आरोपियों के एनकाउंटर की मांग पर अड़े हुए हैं। हाईवे से निकलने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया गया। व्यापारियों का कहना है कि उनका जो धरना है वो कार्यवाही पूरी होने तक जारी रहेगा। जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है वो जारी ही रखेंगे। तो हमले के दौरान शोरूम के बाहर खड़े लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि पूरा घटनाक्रम करीब 5 मिनट तक चला। सड़क पर भीड़ भी जमा थी, लेकिन फिर भी बदमाश फरार हो गए। मृतक जयसिंह का घर शोरूम की ऊपरी मंजिल पर ही है। वहीं उनके एक और भाई की भी ज्वेलरी शॉप है, जो कुछ दूरी पर है। वारदात स्थल के पास ही दुकान में शॉपिंग कर रही यूआईटी थाने की महिला हेड कांस्टेबल ने घायलों की मदद की। शोर शराबा सुनकर के मौके पर पहुंची कविता की कार से घायल जयसिंह और मधुसूदन को गोपीनाथ हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अन्य घायलों को कांस्टेबल ने लोगों की मदद से टेम्पो के जरिए हॉस्पिटल भेजा। वहीं आपको बता दें, शुक्रवार शाम करीब 7 बजे स्विफ्ट कार से 5 नकाबपोश ज्वेलरी शोरूम में पहुंचे। उन्होंने शोरूम में एंट्री के साथ ही मालिक जयसिंह पर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए और उसके बाद उसके बेटे वैभव और स्टाफ को भी मारपीट कर बंधक बना लिया। इसमें पहले एक बदमाश ने बाहर खड़े गार्ड से मारपीट कर उसकी राइफल छीन ली। सभी को बंधक बनाकर दो बदमाशों ने 3 मिनट के भीतर लाखों की ज्वेलरी 2 बैगों में भर ली। अचानक हुए हमले से घबराए आरोपी ज्वेलरी भर करके भागने की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों पर अचानक बाहर से जयसिंह के भाई मधुसूदन ने हमला कर दिया। इस बीच जयसिंह और स्टाफ के लोग भी बदमाशों पर टूट पड़े। अचानक हमले से घबराए 5ों बदमाश भागने लगे तो सभी ने उनका पीछा किया। छीना झपटी हुई, ज्वेलरी से भरा एक बैग शोरूम में भी गिर गया, जबकि एक बैग लेकर के वो बाहर की ओर भागे। कार में बैठने के दौरान एक आरोपी ने जयसिंह के सीने और कंधे पर गोली मार दी। उनके भाई मधुसूदन के भी सीने पर बदमाशों ने गोली मारी। वहीं गार्ड पर भी फायरिंग की गई। पुलिस के अनुसार कुल 7 राउंड की फायरिंग हुई थी। तो घायल जयसिंह को आसपास के दुकानदारों ने कार से हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। गार्ड सुजान सिंह को मारी गोली और उनके कंधे से होते हुए रीढ़ की हड्डी पर फंस गई। उन्हें गुरुग्राम रेफर किया गया। जयसिंह के भाई मधुसूदन का भिवाड़ी में ही इलाज जारी है। उनके सीने से गोली निकाली गई है। हमले में जयसिंह के बेटे वैभव के सिर पर चोट भी आई है। वहीं हमले में और लूट के बाद भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में शुक्रवार शाम को पूरी तरह से हंगामा हो गया। देर रात सभी व्यापारी बाजार में जमा रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए दूसरे राज्य से टीमें भेजी गई हैं। वारदात के बाद बदमाश हरियाणा भाग गए हैं। स्टेट हाईवे 919 सोना तावड़ू से भिवाड़ी होते हुए NH 48 मिल जाता। घटनास्थल से 400 मीटर दूर ही हरियाणा की बॉर्डर पर भिवाड़ी जिले का धार। लेकिन बाबा हम आपके उसके पर बोल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर व्यापारी वर्ग बिल्कुल भी खुश नहीं। लेकिन मैं आपके साथ सुनो, मैं बैठ जाकर मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ।
मैं आपके आए दिन कोई ना कोई घटना जरूर होती रहती थी, आए दिन कोई घटना। जब आपने बयान दिया था हमारे को बहुत तसल्ली हुई थी कि भाई बयान आज, लेकिन वो बयान सब नहीं है जी, वो कायम नहीं है जी। भिवाड़ी के अंदर व्यापारियों में डर का माहौल है, खत्म हो चुका है। महाराज जी हमने तो आपके अंदर है दूसरा योगी देखा था। महाराज जी ने जो आश्वासन जो किए हैं, अब पे हमारे साइकिल नहीं उठ रहे हैं, तो बात तो राजा आज भी जा रहे हैं हमारा। मैं आपके साथ आपका सहयोग लेके आपके साथ बैठा हूँ महाराज जी, थोड़ा सा समय तो देना चाहता हूँ। पूरा राजस्थान भिवाड़ी के रेवेन्यू से चल रहा है। हालात देखो, रोड पे आप नहीं जा सकते। सांसद भी अभी मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, रोजगार कराने रेवाड़ी गए ना, रेवाड़ी में जाना चाह रहा हूँ। हादसा हुआ ना वो बीमारी का दिल है उस एरिया में, मतलब ये कंसर्न बैठेंगे। अच्छी अच्छी बात है, साथ बैठूंगा आपके। वरना भिवाड़ी का पैदल राउंड कितनी सफाई की व्यवस्था है, सफाई की कड़ी बात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के जिस प्रकार से व्यापारियों में रोष है, किस क्या कुछ उनको प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, पुलिस से क्या आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? बड़ी अपडेट बता दें, व्यापारियों ने 72 घंटे का समय दिया है, 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी, या यहाँ पे एक बड़ी मांग ये भी की जा रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, यहाँ एनकाउंटर चाहिए। यहाँ जाहिर सी बात है कि जब व्यापारी की हत्या हो जाती है तो बराबर की मांग जो है की जाती है, लेकिन बड़ी विडंबना यह है जो तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ जी बदमाशों को ये कहा करते थे कि वो बंगाल का टिकट कटवा ले और बुलडोजर पर चढ़कर वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो आप देख सकते हैं जनता के बीच में असहाय नजर आए। यहाँ वो स्थिति नजर आती है कि जनता कहती है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस जो भी बातें जो वादे उस समय किए गए थे वो दूर तक नजर नहीं आते। बात करें नियम कानून और कानून के राज की बात करें तो वो कहीं तक भी नजर नहीं आता, क्योंकि एक दिन दो दिन पूर्व ही अलकायदा के 6 संदिग्ध भिवाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में बड़ी चूक है। दूसरी तरफ बात करें आरोपी के, इतने बेखौफ है बदमाश कि जो व्यापारी है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सरे रहा सरे बाजार, भरे बाजार व्यापारियों पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उनके साथ लूटपाट की जाती है। एक व्यापारी बहुत मेहनत से स्टेबल करता है अपने आप को, और उसको लूट कर जब बदमाश फरार हो जाते हैं तो व्यापारी है आज रोष में है। इसका दूसरा असर आपको बता दें कि अलवर का जो समस्त क्षेत्र है, खैरतल है, नीमराना है, साजापुर है, बहरोड है, भिवाड़ी है, टपुकड़ा है, और साथ में लगता हुआ हरियाणा का रेवाड़ी, सभी जगह आज बाजार बंद रखे गए हैं। ये जो घटना है बहुत छोटी नहीं है, क्योंकि भिवाड़ी इस तरह के अपराधों से पहले से पीड़ित रहा है। बहुत लंबे समय बाद एक बार फिर इस तरह की घटना हुई, कहीं ना कहीं सरकार का या कानून का इकबाल बुलंद नजर नहीं आता। और जहां एक बहुत बड़ी बातें चुनाव के टाइम की गई थी, वो स्वर्णकार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सोनी ने महंत बाबा बालकनाथ जी के समक्ष रखी कि बाबा आपको, आपकी बातों को सुनकर और जिस तरीके से आप पे भरोसा किया गया था वो हमें कहीं नजर नहीं आई, और जिस तरीके से आप बुलडोजर लेकर के आए थे हमने आप पे भरोसा किया था लेकिन वो बातें कहीं नजर नहीं आई। आज एक व्यापारी वर्ग है वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, वो कहता है कि बाबा हमें सुरक्षा चाहिए लेकिन सुरक्षा नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार का हिस्सा होते हुए भी महंत बाबा बालकनाथ जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? सत्ता का पक्ष का एक एमएलए जब ये कहता है कि मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा तो आप सरकार या कानून का इकबाल कितना बुलंद है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो जनता है बहुत समझदार है, व्यापारी वर्ग बहुत समझदार है, व्यापारी वर्ग बहुत जब बिल्कुल अंदर से टूट जाता है तो वो सड़क पर उतरता है। आज NH 919 से उसको जाम किया गया था। यहाँ जो वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी पहुंचे थे, महंत बाबा बालकनाथ जी पहुंचे थे, लेकिन फिर भी जो समय है वो व्यापार वर्ग की तरफ से दिया गया कि 72 घंटे में अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन यहाँ पर चलाया जाएगा। आज जिला स्तर के अध्यक्ष
और स्वर्णकार एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी जो है वो जुटे हैं वो धरने में, और इस समय भी वो भिवाड़ी में कैंप किए हुए हैं। अगर बहुत जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार व्यापारी वर्ग में रोष भी है, दिन दहाड़े इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, व्यापारी की मौत इसमें हो जाती है, बहुत बड़ा मामला है। लेकिन आपने ये तमाम जानकारी दी कि किस प्रकार से क्या कुछ बातें व्यापारियों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा कहा गया है, प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है, अगर आप उस पर भी एक बार नजर डालें। प्रशासन की तरफ से हम बात करें तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है जब घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद कार्रवाई की बात की जाती है, कार्रवाई की डिमांड रखी जाती है, और कहीं ना कहीं प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, जब कोई भी घटना हो जाती है तो पीछा करते हुए उस तरह की घटनाओं का खुलासा किया जाता है, और इससे पूर्व में भी जो घटनाएं हुई है वो उनका खुलासा हुआ है। लेकिन बात इतने पर समाप्त नहीं हो जाती कि घटनाओं का खुलासा हुआ, प्रयास ये किया जाना चाहिए कि कोई व्यापारी लुटे ना, कोई बाजार में लुटने नहीं आता, अपने दो पैसे का रोजगार करने आता है, और बहुत सारे बेरोजगारों को वो रोजगार देकर के बाजार में बैठता है, अपने मान और सम्मान और अपने प्रतिष्ठान के साथ बैठता है। लेकिन जब वो लुट जाता है तो ऐसे में कल्पना कीजिए कि सरकारों का, नियम कानून प्रणालियों का, संविधानों, माफ कीजिएगा, जो ऑफिसेज हैं, एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस है, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक बार फिर से सरकार और नियम कानून के इकबाल पर बात आ गई है कि आखिर वो कितना इकबाल बुलंद है, सवाल या निशान है, कहाँ गया बुलडोजर बाबा का, सवाल या निशान है कि जो बाबा ये कहते थे कि जो अपराधी है वो बंगाल का टिकट कटवा लेंगे, एक साइकिल भी चोरी नहीं होगी, एक सुई भी चोरी नहीं होगी, आज वो जनता की अदालत में जनता के समक्ष असहाय नजर आए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आखिर जनता कहाँ जाए? आखिर कल्पना करने वाली बात यह है कि अगर सरकार के टाइम इस तरह की बातें की जाती थी तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि आखिर सत्ता के साथ बदला क्या? हालात तो वही है, वही जंगल राज है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा स्वर्णकार एसोसिएशन कहता है, ऐसा व्यापार संगठन है जो वो कहता है। आप कल्पना कीजिए जो पूरे अर्थ सिस्टम को चलाता है वो व्यापार मंडल, वो व्यापार संघ जब बाजार बंद करके सड़कों पर बैठता है तो स्थिति किस कदर नाजुक होगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ रही है, किसी भी कीमत पर उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके किए की सजा उनको आने वाले समय में, तय समय में वो आपको देखने को मिलेगी। और हमारे भिवाड़ी तिजारा की सुरक्षा व्यवस्था की जो बात है, हमने सरकार से पूर्व में भी डिमांड की है, जिस दिन से आपने चुना उसी दिन के तीसरे दिन ही हमने डिमांड रखी थी कि हमारे तिजारा क्षेत्र के अंदर, भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर पुलिसिंग के अंदर जो व्यवस्थाएं करने की अति आवश्यकता है, जिसमें कि अभय कमांड सेंटर हो यहाँ पर, यहाँ पर पूरे इस तिजारा भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर कम से कम भी 10 वाहन पेट्रोलिंग के वाहन हो, जिनके माध्यम से चौक चौराहों के ऊपर वो 2400 घंटे उनके अंदर 2-3 जवान में हथियार उन पर उपलब्ध रहें, जो तुरंत किसी प्रकार का अंदेशा हो तो तुरंत एक्शन में वो आकर अपराधी को यहाँ से भागने ना दें। और उसके साथ साथ में अतिरिक्त पुलिस बल, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी करता हूँ कि एक बॉर्डर होमगार्ड की फोर्स, जो कि एक आर्मी की तरह फोर्स होती है, मिलिट्री की फोर्स की तरह फोर्स होती है, वो हमको दी है, उसका भी डिप्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी अब हमारे तिजारा के अंदर उसका हो जाए, जिससे कि आने वाले समय पर यहाँ पर पुलिस की जो नफरी उसकी कोई कमी ना हो। सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यापार मंडल के, जितने भी हमारे घटक व्यापार दल हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी बाहर से आए हुए सभी व्यक्तियों का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस घटना को लेकर हमारा ताऊड़ बाजार, धारोड़ा बाजार भी, टपोगड़ा, तिजारा, पूरा अलवर जिला, भिवाड़ी, रेवाड़ी, नीमराना, ये खैरथल हो गया, ये सभी बाज़ार बंद रहे हैं। इस घटना को लेकर बहुत ही निंदनीय घटना रही है, और मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो जिन्होंने हमारी इतने बुरे वक्त में हमारे को सपोर्ट किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अलकायदा के संगठन यहां मिलते हैं, कभी डकैती होती है? देखिए, जो हुआ है बहुत निंदनीय है, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं, सबको दुख है। आज पूरा भिवाड़ी, चाहे व्यापारी हो चाहे आमजन हो, सब लोग आज यहाँ पर पहुँचे, सब ने दुख जताया है और सब पीड़ित परिवार के साथ है। पर जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से सरेआम, मुझे लगता है शायद इस तरह की पहली घटना है जो सरेआम मतलब लड़के झगड़ के, लठ मार के और फायरिंग करके इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, डेथ भी हो गई एक व्यापारी साथी की हमारे, तो ये बहुत बड़ी घटना है।
इस पर प्रशासन को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार का इस्तकबाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, खौफ नहीं है, खुफिया तंत्र फैल है। अभी चार दिन पहले आतंकवादी मिले हैं, आप सबको जानकारी है। तो मतलब फिर खुफिया तंत्र क्या काम कर रहा है, सरकार की क्या व्यवस्था है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुलवाया। पूरे राजस्थान में अकेला एक ऐसा भिवाड़ी शहर है जहाँ जिले के अलावा पुलिस अधीक्षक बैठता है।